एक गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा करण, छोटा बेटा गगन, बड़ी बहू रूबी और छोटी बहू चमेली थी। रामलाल मुंशी था, पर अब बूढ़ा होने के कारण उसने वो काम छोड़ दिया था। ये ससुर जी, क्या आप काम वाम छोड़कर घर पे ही बैठे रहेंगे? तो तुम्हारा क्या इरादा है, अब इनको बिठा के खिलाओगे? अरे रूबी दीदी, यही बात मैं इनसे कह रही थी, ऐसे तो नहीं चलेगा। पर अब हम क्या करें, वो वापस काम पर नहीं जाएंगे। करना क्या है, उनसे साफ बोल दो कि या तो घर में पैसे लेकर आए या नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। वैसे बात तो तुम लोग सही कह रही हो, हम लोग इतना थोड़ी कमाते हैं कि एक इंसान का खर्चा उठा सके। करण और गगन रूबी और चमेली की हाँ में हाँ मिलाते हैं और रामलाल से जाकर कहते हैं, पिताजी देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग ज्यादा तो कमाते नहीं हैं। आप जब तक कमा रहे थे तब तक तो घर का सही हिसाब चल रहा था, पर अब तो हम आपको नहीं खिला पाएंगे, तो या तो आप अपना कमाई का कोई जरिया बना लीजिए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। तुम लोगों को ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही है? शर्म किस बात की आएगी भला, सही तो कह रहे हैं। पर मैं जाऊंगा कहाँ? अरे हमें क्या पता। करण और गगन तो थोड़ा झिझक रहे होते हैं, पर रूबी और चमेली रामलाल को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। वो उसके पैसे भी रख लेती है और यहाँ तक कि वो जिस छड़ी के सहारे चला करता था वो भी अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसका हत्था चांदी का था। उन लोगों ने स्वार्थ और लालच की हद पार कर दी थी। ये लो, ये चावल रख लो, खा लेना, वैसे भी मैं ये कुत्तों को ही डालने जा रही थी। हे भगवान, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, मुझे मर ही जाना चाहिए। रामलाल लंगड़ाता हुआ एक पुल पर पहुंचता है। वो वहां से कूदने ही वाला होता है कि तभी एक बिल्ली को देखकर रुक जाता है। वो बिल्ली देखने में ही भूखी लग रही थी, इसलिए वो उसे अपने चावल दे देता है। ये लो, ये चावल खा लो, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ। ऐसा भी क्या हो गया कि तुम मरने चल दिए हो? मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि अब मैं कुछ कमा नहीं सकता और वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते। मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने तुम्हारी दिए हुए चावल की ये जादुई छड़ी बनाई है, अब ये तुम्हारा सहारा बनेगी, तुम्हें उन लोगों की जरूरत नहीं है। क्या कहा, चावल की जादुई छड़ी? हाँ, तुम इससे जो चाहो कर सकते हो। मैं तो कहूँगी कि तुम एक दुकान खोलो जिसमें छोटी छोटी चावल की छड़ी बेचो, लोगों को ऐसी नई और अजीब चीजें बहुत पसंद होती है। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस तुम इसे अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करना। परी वो छड़ी देकर गायब हो जाती है। रामलाल जैसे ही उस छड़ी को पकड़ता है तो एकदम सीधा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जवानी वापस आ गई। अरे ये चावल की छड़ी तो सचमुच जादुई है, मुझमें तो बिल्कुल पहले जैसा ताकत वापस आ गया। हे जादुई चावल की छड़ी, मुझे एक छोटा सा घर और एक दुकान दे दो जहाँ मैं छोटी छोटी चावल की छड़ियाँ बेच सकूं। रामलाल के इतने कहते ही वहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाता है जिसके नीचे उसकी एक छोटी सी दुकान होती है। मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी बिल्ली को चावल खिलाने का मुझे इतना बड़ा फल मिलेगा। चावल की छड़ी ले लो, चावल की छड़ी। ये चावल की छड़ी क्या होती है? चावल ही है पर छड़ी के रूप में, खाकर देखो, उंगलियां चाटते रहोगे। लाओ खिलाओ। उस आदमी को रामलाल की वो चावल की छड़ी बहुत पसंद आती है, उसकी खुशबू से दूर दूर से लोग उसकी चावल की छड़ी खाने आने लगते हैं और वो बहुत फेमस हो जाता है। गजब हो गया, गजब हो गया। अरे अरे क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है
और वो बहुत गहरा और सूखा कुआं है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो मैं अभी वहीं चलता हूँ। रामलाल अपनी जादुई चावल की छड़ी उठाता है और कुएं के पास पहुँचता है। अरे ये कुआं तो सचमुच बहुत गहरा है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास जादुई चावल की छड़ी है, मैं इस बच्ची को निकालकर ही रहूंगा। फिर रामलाल उस कुएं में अपनी जादुई चावल की छड़ी बढ़ाता है और वो लंबी होती चली जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। छड़ी का दूसरा सिरा उस बच्चे तक पहुंचता है और वो बच्चा उस छड़ी को पकड़ लेता है। उसके पकड़ते ही वो छड़ी छोटी होना शुरू हो जाती है और वो वापस ऊपर आ जाता है। अरे ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो बिल्कुल चोट नहीं आई। मुझे चोट तो आई थी, पर जैसे ही मैंने इस छड़ी को पकड़ा मेरा सारा चोट गायब हो गई। जादुई छड़ी जिंदाबाद, जादुई छड़ी जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। अरे बेटा ये तो मेरा फर्ज था, और फिर अगर मैं इस जादुई चावल की छड़ी से किसी की जान ना बचा सकूं, तो फिर इसका फायदा क्या है। उस समय वहाँ एक रिपोर्टर भी मौजूद था, वो इस न्यूज को टीवी पर चलाता है, जिससे रामलाल के घर वालों को भी उस जादुई चावल की छड़ी के बारे में पता चल जाता है और वो उसे वापस लेने आ जाते हैं। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती करी जो आपको घर से निकाला। आपके जाने के बाद हमारे घर में मनहूसियत छा गई, हमारे साथ वापस चलिए। आपकी सबसे बड़ी गुनहगार मैं हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम बहुत बुरी औलादे हैं, हमें सुधरने का एक मौका जरूर दीजिए पिताजी। हाँ पिताजी, वरना हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो चारों लोग इतना अच्छा नाटक करते हैं कि रामलाल को लगता है कि वो सचमुच माफ़ी मांग रहे हैं और वो उनके साथ चला जाता है, पर घर जाते ही सारा राज खुल जाता है। आपको क्या लगा पिताजी, हमारे दिल में सचमुच आपके लिए प्यार उमड़ आया? नहीं नहीं, हमें तो ये जादुई चावल की छड़ी चाहिए थी, अब आप वापस जा सकते हैं। चलिए निकलिए यहाँ से। बड़े आए जादुई छड़ी वाले। रामलाल वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी वो छड़ी रूबी के हाथ से छूटती है और चार हिस्सों में बन जाती है और उन चारों को बुरी तरह से मारने लगती है। वो चारों बहुत चिल्लाते हैं, पर छड़ी उन पर कोई रहम नहीं करती। हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। अरे बचाओ बचाओ। रुक जाओ जादुई चावल की छड़ी, तुम लोग अगर मुझसे प्यार से ये छड़ी मांगते तो मैं वैसे भी तुम लोगों को दे देता, मेरा इस दुनिया में है ही कौन। लेकिन तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, अब मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर रामलाल वहाँ से छड़ी लेकर चला जाता है और लोगों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देता है। महेश और सुरेश दोनों भाई थे, उनके पिता अपने जमाने के बहुत बड़े व्यापारी थे और मरते समय दोनों के लिए बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, करोड़ों रुपए और आलीशान घर। लेकिन पिताजी के अंतिम समय में महेश ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। सुरेश ने भाई को बहुत समझाया, लेकिन लालची महेश ने अपने छोटे भाई को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद सुरेश को किसी तरह घर का एक कमरा दे दिया गया। मैं तुम्हें बस यही कमरा दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। कमरा कच्चा और टूटी फूटी हालत में था, लेकिन सुरेश के पास सिर छुपाने का और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो कमरा ले लेता है। ये कमरा पिताजी का था और यहीं उन्होंने अंतिम समय बिताया था। सुरेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ यहीं रहने लगता है। सुरेश के पास कोई काम नहीं था, उसने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार थक हार कर उसे मजदूरी करनी पड़ी। पुराने राजमहल के पास खुदाई का काम चल रहा था, वहाँ नई रोड बनाने की तैयारी थी, सुरेश को भी वही मजदूरी करने का काम मिल गया। सुरेश के साथ सुरेश की पत्नी माला भी वही काम करती थी,
देखो बेचारों को, पिताजी की इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी इन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे इसके बड़े भाई ने धोखे से सबको झड़प लिया है। ऐसा लालची भाई भगवान किसी को भी ना दे। बहन, इन लोगों की किस्मत एक दिन जरूर पलटेगी। महेश को अपने लालच की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन खुदाई करते समय कुछ मजदूरों को एक संदूक मिला। संदूक खोल जाने पर उसमें से राजा का प्राचीन खजाना निकला। बड़े अधिकारियों ने सारे खजाने को खुद ही लूट लिया। लेकिन इस घटना के बाद सुरेश के दिमाग की बत्ती जल गई। सुरेश ने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और दोनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। उन दोनों ने घर जाकर अपने एकमात्र कमरे में खुदाई शुरू कर दी। अरे इस समय क्या शोर मचाया हुआ है इन दोनों ने। अगले दिन सुबह पूरे शहर में एक ही बात के चर्चे थे। सुरेश के घर में खुदाई करने पर एक घड़ा मिला है जिसमें बेशुमार पैसा है। महेश अपने घर से निकलता है, तभी एक व्यक्ति कहता है, अरे क्या तुमने सुना है, अपने सुरेश बाबू फिर से अमीर हो गए हैं। अच्छा, कब, कैसे, मैंने तो नहीं सुना। सुरेश के घर में खुदाई में एक घड़ा निकला है। सुना है उसके पिताजी ने वो घड़ा जमीन में छिपा कर रखा था। उस घड़े में बहुत पैसा है। उस पैसे से तो वो ऐसे कई घर खरीद लेगा। महेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उधर सुरेश के दोनों बच्चे सजे धजे नए कपड़ों में घूम रहे थे। वो दौड़ा दौड़ा सुरेश के कमरे में गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था और एक कोने में मिट्टी से सना एक घड़ा भी था। सुरेश, मैंने सुना है तुम्हें पिताजी का छिपाया हुआ कोई घड़ा मिला है। हाँ तो, अगर वो पिताजी का है तो मुझे भी उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात तो आपको घर और संपत्ति के बंटवारे के समय भी सोचनी चाहिए थी। अच्छा, तो तुम अभी भी उस बात से नाराज हो। चलो एक बार फिर से सब कुछ आधा आधा बांट लें। सुरेश कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? आपने पहले भी मुझे धोखा दिया है। पहले आप मुझे मेरा हिस्सा दो, फिर मैं आपको घड़े का आधा सामान दे दूंगा। ठीक है। महेश ने उसी समय जाकर अपना आधा घर और संपत्ति सुरेश के नाम कर दी और लौटकर घर के कागज सुरेश को थमा दिए। अब हमें घड़े का बंटवारा भी कर लेना चाहिए, क्यों नहीं? माला, वो घड़ा भाई को दे दो। माला ने घड़े को उठाया और आधा पानी एक बर्तन में रख दिया। ये क्या है, इसमें तो कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ये लीजिए भाई साहब, आपकी आधी संपत्ति। महेश का चेहरा देखने लायक था। सुरेश और उसके बच्चे ठहाके लगा रहे थे। महेश का सारा लालच घड़े के पानी में डूब चुका था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उस गांव में माखन सिंह अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। एक बार वो शहद के लालच में मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की गलती कर बैठा, जिसके कारण मधुमक्खियों ने उसकी आंख में डंक मार मार कर उसे अंधा कर दिया था। माखन सिंह के बेटे टीटू को अपने पिताजी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन निराश होकर वो कहीं जा रहा था, तभी उसे गंगू मौसी मिली। वो उसका निराश चेहरा देखकर बोली, टीटू तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर टीटू बोला, मौसी मैं पिताजी को लेकर बहुत दुखी हूँ। वो कुछ देख नहीं पाते इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस पर गंगू मौसी ने उसे सलाह दी, तुम नट्टू काका से मिलो, उनके पास तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा। टीटू को गंगू मौसी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो अगले ही दिन अपने पिताजी को लेकर नट्टू काका के पास गया। नट्टू काका ने माखन सिंह की आंखों में ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए
मुझे कुछ जादुई जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। इस पर टीटू बोला, कौन सी जड़ी बूटी? आप मुझे बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए कोई भी जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नट्टू काका बोले, वो जादुई जड़ी बूटी है, उसे लाने के लिए तुम्हें पहाड़ के उस तरफ घने जंगलों में जाना होगा। टीटू ने पूछा, वो बूटी दिखती कैसी है? जिस बूटी से तुम्हें सफेद रंग की किरणें निकलती दिखें, बस समझ जाना वो ही जादुई बूटी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहाँ एक भयानक राक्षस रहता है, वो तुम्हें आसानी से वो बूटी नहीं लेने देगा। ऐसा कहकर काका ने उसे एक बूटी दे दी। बूटी देख टीटू बोला, इससे क्या होगा? काका हंसते हुए बोले, तुम इसे खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टीटू अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही जादुई बूटी लेकर वापस आऊंगा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर टीटू घने जंगलों की ओर चल दिया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक एक बहुत भयानक राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टीटू उसे देखकर डर गया। राक्षस ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्यों आए हो? ये सुनकर टीटू उसे जादुई बूटी के बारे में बताने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, नट्टू काका बता रहे थे कि ये राक्षस मुझे आसानी से वो जादुई बूटी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई तरकीब तो सोचनी होगी। ये सोचकर टीटू बोला, मैं दूसरे जंगल से आया एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे उसके बदले क्या दे सकते हो? राक्षस बोला, मैं तुम्हें इस जंगल के सारे फल दे सकता हूँ। इस पर टीटू बोला, फल तो मेरे गांव में भी है, मुझे कुछ ऐसा दो जो कहीं और से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पलट कर चलने लगा। तभी राक्षस बोला, रुको, मेरे पास ऐसी बहुत सी जादुई जड़ी बूटियाँ हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। टीटू समझ गया कि राक्षस उसके जाल में फंस चुका है। वो अपनी खुशी को छिपाकर हैरान होकर बोला, सच? तुम्हारे जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं? हाँ, ऐसी जादुई जड़ी बूटियाँ तुमने कहीं नहीं देखी होंगी। इतना कहकर राक्षस टीटू को पहाड़ी के दूसरी तरफ जादुई जड़ी बूटियों के पास ले गया। वहाँ बहुत सारी जादुई जड़ी बूटियाँ थी। सभी जड़ी बूटियों में से तरह तरह की किरणें निकल रही थी। तभी टीटू ने देखा, एक जड़ी बूटी में से सफेद रंग की किरणें निकल रही थीं। वो उस बूटी की तरफ इशारा करके बोला, मैं वो वाली बूटी लूंगा। राक्षस आगे बढ़ा और उसने वो बूटी लेकर टीटू को दे दी और बोला, अब तुम मुझे उस चीज का नाम बताओ जो मुझे और भी शक्तिशाली बना सकती है। इस पर टीटू पहले थोड़ा पीछे हटा और बोला, वो चीज है अक्ल। अगर तुम्हारे पास थोड़ी अक्ल और हो जाए तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो, क्योंकि अक्ल ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। राक्षस बोला, नहीं, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। इस पर टीटू बोला, मैंने तुम्हें अपनी अक्ल से बेवकूफ बनाकर तुमसे ये जादुई जड़ी बूटी ले ली, इसलिए अक्ल ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हुई, और मैंने वादे के अनुसार तुम्हें उस चीज के बारे में भी बता दिया जिससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे, तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे पागल बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा तब कुछ करोगे ना? ये कहकर टीटू जल्दी से दौड़ने लगा। राक्षस भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। तभी टीटू को नट्टू काका की बात याद आई और उसने नट्टू काका की दी हुई बूटी खा ली। वो बूटी खाते ही उसमें बहुत शक्ति आ गई और वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा और राक्षस उसे देखता ही रह गया। तेजी से दौड़ता हुआ टीटू अपने गांव पहुंचा। अपने गांव लौटकर उसने वो जादुई जड़ी बूटी नट्टू काका को दी। नट्टू काका ने उस बूटी की दवा बनाकर
जैसे ही टीटू के पिताजी की आंखों में डाली, उनकी आंखें एकदम ठीक हो गईं और उन्हें सब दिखने लगा। इस तरह टीटू ने अपनी अक्ल से उस शक्तिशाली राक्षस को भी हराया और अपने पिताजी की आंखें भी ठीक कर दी। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे भी उगा करते हैं और ये जगह तो मछलियों को बेहद पसंद आती है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रह करती थी। अंडे देने के लिए तो तकरीबन सारी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वो जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। नील कमल मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही हमेशा संकट को टालने के उपाय में लगी रहती थी और फिर रानी मती मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। कमला मछली का सूचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात तो एकदम फिजूल है, अरे करने कराने से अगर कुछ होता तो बहुत पहले हो गया होता। जो कुछ किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। पता है फिर क्या हुआ? एक दिन शाम को सभी मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर वापस जा रहे, क्योंकि बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी, इसलिए उनके चेहरे उदास दिख रहे थे कि तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता हुआ दिखाई दिया। सभी पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी थी। वो मछुआरे ये नजारा देखकर चौंके। मछुआरे ने अंदाजा लगाया कि लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा एक बहुत बड़ा जलाशय है, जहाँ पर इतनी सारी मछलियाँ पल रही हैं कि मछली खोर पक्षियों के भी मौज हो रही है। मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले। उन मछलियों को ललचाई भरी नजरों से देखने लगे कि तभी दूसरा मछुआरा बोला, आहा वाकई ये जलाशय तो मछलियों से भरा हुआ है, छोटी बड़ी हर तरह की मछली, जो हमारे खाने के काम भी आएगी और बेचने के काम भी। आज तक हमें क्यों नहीं पता लगा इसके बारे में? यहाँ हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ेंगे, अरे हमारे लिए तो सोने पर सुहागा होगा। तीसरे ने कहा, अब तो शाम घिरने वाली है दोस्तों, चलो अभी चलते हैं और कल सुबह आते ही यहाँ जाल डालेंगे, समझ गए ना? इस प्रकार सारे मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करने लगे। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। नील कमल मछली कहने लगी, साथियों तुमने मछुआरों की बातें सुन ली ना, अब तो यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी जान को खतरा है। और फिर तुमने अपने कानों से तो सुनी है खतरे की सूचना, समय रहते हम सबको अपनी जान बचाने का तरीका अपनाना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ, उसके बाद चाहे मछुआरे आए अपना जाल फेंके तो मेरी बला से तब तक तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। इस पर रानी मती मछली बोली, अब तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ ना आऊंगी। देखो डरपोक कहीं की, कितना डरती है मछुआरे से। हमें इतना घबराने की जरूरत थोड़ी ही है, हो सकता है कि कल को हम पर संकट ही ना आए, उन मछुआरों का आने का कार्यक्रम बदल भी तो सकता है। हो सकता है उनके जाल कल रात ही रात में चूहे कुतर जाए या फिर उन्हीं की बस्ती में कहीं से आकर आग लग जाए, अरे भूचाल भी तो आ सकता है, और नहीं तो रात ही रात में मूसलाधार बारिश भी तो पड़ सकती है उनके ऊपर, बाढ़ से उनका सारा गांव बह सकता है, इसलिए उनका आना भी निश्चित नहीं है। जब वो आएंगे तब कितना सोचेंगे, हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही ना फंसूं।
मैं कोई मगरमच्छ हूँ जो उनके जाल में फंस जाऊंगी आसानी से। इस पर कमला मछली ने अपनी भाग्यवादी बात कही। अरे बहनों, भागने से अब तक कुछ हुआ है जो आगे हो जाएगा? हैं? मछुआरों को आना है तो आ जाएंगे। अरे हमें उनके जाल में फंसना है तो हम फंस ही जाएंगे ना। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है, बोलो। इस प्रकार नील कमल मछली तो तुरंत ही वहाँ से चली गई। रानी मती और कमला मछली जलाशय में ही रह गई। सुबह हुई तो मछुआरे अपना जाल लेकर उसी जलाशय के पास आ गए और लगे जलाशय में जाल फेंकने। उन्हें तो मछलियों का लालच पहले से ही था। रानी मती मछली ने संकट को आए देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तो 200 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। आसपास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैर रही है, वो उसके बचाव के काम आ सकती है। रानी मती मछली जल्दी से उस लाश के अंदर चली गई। लाश सड़ने लगी थी लेकिन रानी मती मछली को तो अपनी जान बचाने की लगी थी। सड़ती लाश की सड़ांद अपने ऊपर लपेटकर वो बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में रानी मती मछली फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। मछलियां तो जैसे तड़पने लगी, उनके लिए जल ही तो जीवन था। परंतु रानी मती मछली अपना दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही, जैसे मछुआरों को ये लगे कि ये मछली ऊद बिलाव के पेट के अंदर जाकर उसकी सड़ी हुई बदबू से मर गई है। और दोस्तों हुआ भी यही। मछुआरे को सड़ांद का भपका लगा तो वो मछलियों को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने बेसुध पड़ी हुई रानी मछली को उठाया, उसे सूंघा। हाय राम, छी, ये मछली तो कई दिनों की मरी हुई है, पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने रानी मती मछली को वापस जलाशय में फेंक दिया। रानी मती मछली तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकली, अपनी किस्मत को वाह वाह करने लगी। पानी में गिरते ही उसने ऐसा गोता लगाया कि जलाशय की गहराई में जाने कहाँ खो गई। सुरक्षित गहराई में जाकर ही उसने अपनी जान की खैर मनाई। उधर कमला मछली भी मछुआरे के जाल में फंस चुकी थी। कमला मछली एक टोकरे में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली कमला मछली ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपनी जान गवा दी। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, अपने हाथ पांव चलाने से ही अपनी किस्मत को इंसान रचता है।